हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है ममता और मैं एस्टोनिया में रहती हूँ और एस्टोनिया के बारे में बनाती हूँ बहुत सारा कंटेंट। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एन्जॉय करिए। तो जो आज का टॉपिक है वो है, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को कैसे एस्टोनिया में बुला सकते हो अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है। तो हम उन्हीं सारी छोटी छोटी डिटेल्स या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत है अगर आप अपने जो फैमिली या फ्रेंड्स को इधर बुलाना चाहते हो, उनके बारे में, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वीज़ा का फॉर्म होता है, आप एस्टोनिया एम्बेसी ऑफ एस्टोनिया जो है न्यू दिल्ली, उसकी वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो। डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। आप इन दिस केस आपको सी वीज़ा चाहिए होगा, जिसको शनिगन वीज़ा भी कहते हैं। आपको वो डाउनलोड कर लेना है, आप वो सारी डिटेल्स जो है अपनी फैमिलीज की वो भर सकते हो। नाम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, सारा कुछ वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। किस पर्पस के लिए जा रहे हो, कौन सी डेट्स पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारा कुछ आपको उस फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा। जब आपने ये सारा फॉर्म भर दिया होगा तो आपने जो अपनी BFS ग्लोबल उसकी वेबसाइट का नाम है, उधर जाना है। उधर से आप अपने नियरेस्ट सेंटर ढूंढ सकते हो, जो भी आपकी स्टेट है, जहाँ पे भी आप रहते हो। तो उधर आपको जो अपनी है अपॉइंटमेंट उठानी है, तो उधर आपको उस सेंटर में जाके आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। तो चलो हम अभी उस डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं जो आपको इस प्रोसेस के लिए, अपने जो वीज़ा के लिए चाहिए। तो सबसे पहला है पासपोर्ट, और आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स प्लस होनी चाहिए। और सेकंड है, आपके पास एक अच्छा कवर लेटर लिखा होना चाहिए, जहाँ पे आपको पूरा स्पेसिफिक बताना है आप कौन सी डेट्स में जा रहे हो, आप क्या करने के लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, ये सारा कुछ वेल डिफाइंड होना चाहिए, ताकि जो आपका वीज़ा ऑफिसर इसको पढ़े और उसको इंस्टेंट पता लगे आपका पर्पस क्या है जाने का। और जो तीसरा है, आपके पास कलर फोटो होनी चाहिए। और जो आपके पास फोर्थ है, और ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास। बहुत सारी कंपनीज है जो ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी देख सकते हो। और जो फिफ्थ है, आपके पास जो फ्लाइट रिजर्वेशंस होनी चाहिए कि आप कौन सी डेट्स को जा रहे हो, तो आपके पास पूरी बुकिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रिजर्वेशन होनी चाहिए वीज़ा ऑफिसर्स को दिखाने के लिए कि आप इन डेट्स को जो है आप जा रहे हो। तो ये तो थी आपके अपने तरफ से, आप जोन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम अभी बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट के बारे पे जो आपको दूसरे, जो आपका फैमिली मेंबर है उसकी तरफ से लगेंगे। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो है आपके फैमिली मेंबर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिसकी आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले है पासपोर्ट और टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट, जो भी आपके पास रेजिडेंस परमिट है, जब परमानेंट भी हो सकता है, उसकी बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद है इनविटेशन लेटर, जैसे कि आपने एक अपना लेटर बनाया था, वैसे ही उनकी तरफ से भी एक इनविटेशन लेटर बनेगा कि आपको उनको क्यों बुलाना है, क्या पर्पस है, डेट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ आप घूमने जाओगे, आपका सारा प्लान पूरा ऑलरेडी होना चाहिए इसमें आपको बताना है, ताकि आप उनको कन्विंस कर सको कि आपको क्यों आना है और आप क्यों बुलाना चाहते हो। तो उसके बाद है आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आप जहाँ पे काम करते हो उधर से आपको जो एक डॉक्यूमेंट बनाना है, वहाँ पे बताना है आप कितने टाइम से काम कर रहे हो, आपकी सैलरी क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, वो सारा कुछ आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद है होम कॉन्ट्रैक्ट, आप जहाँ पर रह रहे हो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने घर वालों को सेंड करना पड़ेगा, या जो भी है फैमिली है, जो फ्रेंड्स है, आपको वो बताना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो, ताकि उनके पास, उनको पता हो वीज़ा ऑफिसर्स को कि आप जहाँ पर रहे हो वहाँ पर स्पेस कितनी है, सारा कुछ आपको ये सेंड करना पड़ेगा। और उसके बाद है सबसे लास्ट जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, अगर वो आप पे डिपेंडेंट हैं, अगर वो आपके बेस पे आ रहे हैं, तो आपको जो अपनी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स के वो दिखानी पड़ेंगी कि आपके सेविंग्स अकाउंट में कितने पैसे हैं, अगर वो आपके डिपेंडेंट आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको नहीं दिखानी पड़ेगी। तो गाइज़ ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपकी तरफ से और जो आपको इन्वाइट कर रहे हैं उनकी तरफ से लगेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड अंटिल देन, चाओ चाओ।